हेलमेट पहनना लाजमी, कोई नहीं होगी नरमी। मॉल रोड पर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ममनू। 32 मकामात पर बैरियर्स। पहले रोज पहली शिफ्ट में सिर्फ मॉल रोड पर 1276 मोटरसाइकिल सवारों को चालान, टिकट्स जारी। अनारकली सर्कल में 800 मोटरसाइकिल सवारों के चालान। यकनशुद दो शुद, एक तरफ भारी जुर्माने, दूसरी जानिब हेलमेट के रेट आसमान पर। मार्केटों शाहराओं के स्टॉल्स पर हेलमेट्स की मनमानी कीमतें। 600 वाला सादा पाकिस्तानी हेलमेट 1000 रुपए में फरोख। बेहतर क्वालिटी का 1200 वाला 1800 रुपए में, जबकि 2500 वाला 3500 रुपए का हो गया। मैकलर रोड, लिटन रोड और दीगर मार्केट्स में 12000 हेलमेट फरोख। सड़कों के स्टॉल्स पर भी 4000 हेलमेट बिक गए। शहरी महंगे हेलमेट खरीदने पर मजबूर। रेस्क्यू 1122 में मुबैना करप्शन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखला को रिपोर्ट समेत 27 सितंबर को पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखला को इस्लामाबाद से हुक्मनामा मिल गया। डीजी रिजवान नसीर की मुबैना करप्शन की दरखास्त भी चीफ जस्टिस साकिब निसार को मौसूल। साफ पानी कंपनीज स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। 96,93,37,000 रुपए की बेजाबतगियों का इंकशाफ। कंसल्टेंसी कंपनी को काम करने के लिए किए बगैर ही 44,64,00,000 रुपए अदा कर दिए गए। 84 प्लांटों की तनसीबात के दौरान 14,97,00,000 की अदायगियां। पाबंदी के बावजूद वुजरा, अराकीन असम्बली और अफसरान के दौरों के लिए 47,30,000 रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गईं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर चैंबर का इलेक्शन, कॉर्पोरेट क्लास की तमाम नशिस्तों पर प्याफ फाउंडर्स का क्लीन स्वीप। प्याफ फाउंडर्स ने कॉर्पोरेट क्लास की तमाम 7 नशिस्तें जीत ली। प्याफ फाउंडर्स को 822 पैनल वोट मिले। बिजनेसमैन फ्रंट ने 302 पैनल वोट हासिल किए। एसोसिएट क्लास की 8 नशिस्तों के लिए वोटिंग आज होगी। लाहौर बिजनेस फ्रंट ने टफ टाइम देने के लिए सर जोड़ लिए। साबिक हुकूमत ने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गलत पॉलिसियों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बंद हो गई। हुकूमत कारोबारी अफराद के मसाइल हल करे, रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन। लाहौर चैंबर के इलेक्शन में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वो तो बनी गल है जी, भी शेरू रह गया जिन्हों वजीर बनाना, बाकी सारे बन गए। तब्दीली आते आते रह गई। हुकूमत की नाकस कारकर्दगी आयां हो चुकी। बिजली महंगी करके आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। 25 जुलाई को आवाम के वोट पर डाका डाला गया। जिमनी इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू। 100 रोजा प्लान को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत का और काम कर रहे हैं। हर चीज को ट्रैक पर लाने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को जल्द बेहतरीन रिलीफ दिया जा सके। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का मजंग में खुले कचहरी से खिताब। साइलिन के मसाइल भी सुने। हल्का एन ए 124 का जिमनी इलेक्शन। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। UC 41 में आमद इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। बोले मुस्लिम लीग नून ने आवाम के मसाइल हल किए, कब्जा माफिया मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। 14 अक्टूबर को आवाम की ताकत से फतह हासिल करेंगे। पंजाब का बल्दियाती निज़ाम कैसा होगा? इलेक्शन से पहले नई हलका बंदियां कराने पर गौर। यूनियन काउंसिल के साथ विलेज और लेबर काउंसिल का कायम अमल में लाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं बल्दियाती मुसवदा अन करीब असम्बली में पेश करेंगे। नए निज़ाम से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। इमरान
इमरान खान की हुकूमत सी पैक को लपेटने के चक्कर में है। 65 साल में वो काम नहीं हुआ जो हमने 5 साल में कर दिखाया। मेरे मुकाबले में एक लोटे को टिकट देकर नए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। इस बार सिर्फ वोट नहीं देना, वोट पर पहरा भी देना है। ख्वाजा साद रफीक का वाल्टन में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। शाहदरा फैक्ट्री के बाहर से पानी पीना जुर्म बन गया। फैक्ट्री मालिक ने पानी पीने पर मजदूर पर बहिमाना तशद्दुद कर डाला। नबीद नामी नौजवान को बरहाना करके पाइप मारता रहा। तशद्दुद के बाद चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना शाहदरा टाउन पुलिस का नौजवान को चोर मानने से इनकार। हुकूमत डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का बिल लाने के लिए मान गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वजीर सेहत से मुजाकरात कामयाब। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों के आउटडोर्स खुलेंगे। 15 शहबाज के घर के बाहर से रुकावटें हटाने का केस। यहां बादशाहत का निजाम नहीं चल सकता। इंतजामिया काम नहीं करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। हमजा शहबाज के गार्ड्स का कमरा सड़क पर बनाने पर कमीशन बनाएंगे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने अंदरून शहर से तजावुजात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। अंदरून शहर फाटा की तरह बन चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा। डीजी बॉल सिटी कामरान लाशारी, रियासत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, आप अदालती हुक्म पर अमल करवाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। अदालत ने 27 सितंबर को अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। एक गाड़ी को धोने पर 400 लीटर पानी जाया होता है, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर्विस स्टेशन पर पानी के ज़िया के केस में अदालत के रिमार्क। बगावत केस के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 8 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफी सिरल अलमेडा का नाम ECL में डालने का हुक्म। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पेश। बेगम कल्सूम नवाज की वफात पर लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं, चेहलुम के बाद की तारीख दे दें। वकील नवाज शरीफ, ठीक है मुकदमे को 8 अक्टूबर को सुन लेते हैं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। असातिज़ा के तबादलों पर आए पाबंदी खत्म। इब्तदाई तौर पर माजूर बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन असातिज़ा पर आए पाबंदी खत्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस की खराब गाड़ियां मुलजिम पकड़ने की राह में रुकावट बन गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 50 से जायद गाड़ियां नाकारा हो गईं। SSP इन्वेस्टिगेशन को नाकारा गाड़ियों की रिपोर्ट मौसूल। हथकड़ियों की कमी का मामला हल। 300 से जायद नई हथकड़ियां मंगवा ली गईं। चंद रोज काबिल हरबंसपुरा पुलिस ने मुलजिमान को रस्सी से बांधकर अदालत पेश किया था। फिरोजपुर रोड पर गाड़ी न रोकने पर पुलिस अहलकारों की फायरिंग। डॉल्फिन और पीरू अहलकारों ने कार सवार ताजर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वाकये की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुगलपुरा में गुजशत रात नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का मामला। लाहौर न्यूज को वाकये की CCTV फुटेज हासिल हो गई। कैनाल रोड पर चौधरी अहमद अली अंडरपास पर कंटेनर फंस गया। कंटेनर फंसने के बायस कैनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। कंटेनर को निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस मौका पर पहुंची। कंटेनर काट कर निकालने की कोशिशें जारी। हादसे के बायस अंडरपास की छत और कंटेनर बुरी तरह मुतासर हुआ। FBR ने लंबी कमाइयां करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन के 60 गैर रजिस्टर्ड होटल्स रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी। खानों के रेट्स और मुलाजमीन की फहरिस्तें हासिल कर ली। जराए और जूस के नाम पर मीठा जहर बेचने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का कंट्री जूस की फैक्ट्री पर छापा। मसनू फ्लेवर्स, मिठास, आलूदा पानी के इस्तेमाल पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। 146 नाश्ता पॉइंट्स की भी चेकिंग।
सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर दो नाश्ता प्वाइंट सील कर दिए गए।